रेस 3 का आखिरी गाने का भी धमाका। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएसटार न्यूज। इस साल सलमान खान ईद के मौके पर एक मास्टरपीस को लेकर आ रहे हैं और वो है रेस 3। बता दूं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और साथ ही में सलमान खान के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म साबित होगी रेस 3। जी, हम सबको बताया कि ये फिल्म की ऑलमोस्ट शूटिंग खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ ये फिल्म का एक गाना बाकी है और वो भी लेह लद्दाख में शूट होने वाला है। जय, गाने की शूटिंग की लोकेशन सामने आ चुकी है, आप देख रहे होंगे। लोकेशन इतनी खूबसूरत है कि लोकेशन देखकर ही लगता है कि ये गाना बहुत ही अच्छा ही होगा, जैसा कि टाइगर जिंदा है में दिल दिया गल्ला था। ये गाने में सलमान खान, जैकलिन जैसे सितारे होंगे और ये गाना रेस 3 का आखिरी गाना है। रेमो डिसूजा, सलमान खान और रमेश तौरानी ने मिलकर ये फिल्म को बहुत ही बढ़िया बनाई है, क्योंकि ये फिल्म के एक्शन तो धमाकेदार हो गए ही, लेकिन ये फिल्म के गाने भी बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। अगर अभी आप लोकेशन ही देख रहे होंगे कितना खूबसूरत है, तो फ्रेंड्स आप क्या कहेंगे रेस 3 को लेकर, वो हमें कमेंट करें। वरुण धवन और संजू बाबा आ रहे हैं साथ में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएसटार न्यूज। वरुण धवन की उन दिनों फिल्म अक्टूबर रिलीज हुई है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन भी कर रही है, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन से एक और धमाकेदार अपडेट सामने आई है जिया वरुण धवन की एक और नई फिल्म के बारे में। तो बता दूं कि ये फिल्म का नाम होगा कलंक और ये फिल्म में जबरदस्त एक्टर्स लिए गए हैं। जिया ये फिल्म में लीड रोल में वरुण धवन, संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और माधुरी दीक्षित जैसे दमदार कलाकार होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म में आपको कितना मजा आने वाला है, क्योंकि संजय दत्त, माधुरी दीक्षित जैसे महान कलाकार ये फिल्मों में है। और बता दूं कि ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा होगी और ये फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अभिषेक वर्मन और ये फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर और साजिद नडियाडवाला और ये फिल्म रिलीज होगी 19 अप्रैल 2019 को। तो फ्रेंड्स, ये फिल्मों में एक्ट्रेस तो काफी दमदार है, तो फिल्म भी काफी दमदार ही होने वाली है। इसके बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज़ पसंद आई तो उसे लाइक करें। आगे की खबरें के लिए एफएसटार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।